नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राजधानी भोपाल में होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली रद्द हो गई है। शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इसकी जानकारी दी। कमलनाथ ने जानकारी देते हुए कहा कि रैली भोपाल में नहीं हो रही है। पार्टी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने भी बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष और इंडिया गठबंधन के दूसरे पार्टनर के साथ चर्चा जारी है। कब होगी, कहां होगी रैली, अभी आखिरी फैसला नहीं हुआ है। जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में शरद पवार के निवास पर हुई कई घंटों की बैठक के बाद ये तय किया गया था कि चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन की पहली बड़ी रैली की जाएगी। उस समय कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने खुद मीडिया से बात करते हुए उस रैली का ऐलान किया था, लेकिन अब कमलनाथ ने साफ कर दिया है कि जो रैली होने वाली थी वो कैंसिल कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करने के बाद ही आगे का कोई फैसला लिया जाएगा, अभी बातचीत जारी है। खबर यह है कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस इकाई रैली को लेकर पूरी तरह तैयार नहीं थी। कम समय में उस बड़ी रैली के लिए जितनी तैयारी करनी थी वो चुनौती बन रहा था, इसी वजह से भोपाल में होने वाली रैली को रद्द करना पड़ा। तेलंगाना के हैदराबाद में मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी की नई कार्य समिति की पहली बैठक हो रही है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और बीजेपी नेताओं के हमलों से हमारे इंडिया गठबंधन की 3 बैठकों की सफलता का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा, हमारा कारवां जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उनके हमले तेज होंगे। इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक के बाद ईडी, आईटी, केंद्रीय जांच ब्यूरो को सरकार ने विपक्षी नेताओं से राजनीतिक बदला लेने के लिए लगा दिया है। यह स्वस्थ लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है, लेकिन अफसोस कि ये हकीकत है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने मध्य प्रदेश के कटनी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अलायंस होने के बाद से हमारे देश में सनातन विरोधी माहौल बना है। यह अलायंस की एक सरकार तमिलनाडु में चलती है जिसका नेतृत्व डीएमके करती है। उस सरकार में कांग्रेस भी शामिल है। उस सरकार के मंत्री ने कहा कि हिंदू धर्म सनातन धर्म मलेरिया जैसा है। फिर राजा के नाम के एक मंत्री ने बोलना शुरू किया कि हिंदू धर्म एड्स जैसा है। फिर आगे जाकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोलना शुरू किया कि हिंदू धर्म की कोई हैसियत नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं और सनातन को राहुल जी के दोस्त लोग एड्स और मलेरिया बोल रहे हैं। मैं राहुल गांधी से बोलना चाहता हूं कि अगर आप उनके साथ नहीं हैं तो आपके गठबंधन से डीएमके को बाहर कर दो। कांग्रेस कहती है कि ये तो उनके बोलने का अधिकार है, हम कुछ नहीं कर सकते। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि मैं राहुल बाबा से पूछना चाहता हूं कि अगर ये बात कोई मुसलमान के खिलाफ बोली जाती तो क्या आप यही बात बोलते? अगर मुसलमान के खिलाफ एक भी कांग्रेसी बोलता तो आप पार्टी से बाहर कर देते थे, लेकिन हिंदू के खिलाफ बोले तो कुछ नहीं बोले। आप खुद भी षड्यंत्र में शामिल हैं। हिंदुओं को हमारी संस्कृति को बर्बाद करने के इस षड्यंत्र में खुद गांधी परिवार शामिल है। अडानी समूह में निवेश करने वाली एक फर्म का मॉरिशस ने मई 2022 में लाइसेंस रद्द कर दिया था। उस फर्म पर वित्तीय लेन देन और इसके लेखा जोखा को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए। उसका लाइसेंस रद्द किए जाने का मामला अडानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के 8 महीने पहले आया था। रिपोर्ट के अनुसार मॉरिशस के वित्तीय नियामक वित्तीय सेवा आयोग यानी FSC ने इमर्जिंग इंडिया फंड मैनेजमेंट लिमिटेड यानी EIFM के व्यापार और निवेश लाइसेंस को रद्द कर दिया। ये मॉरिशस स्थित उन दो फंडों के नियंत्रक शेयरधारक थे जिन्होंने सूचीबद्ध अडानी कंपनियों में निवेश किया था और अब वे जांच के दायरे में हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार FSC के फैसले में मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने और कॉरपोरेट गवर्नेंस सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए कानूनों के कई प्रावधानों के उल्लंघन का फर्म EIFM पर आरोप लगाया गया। भारत ने प्रोजेक्ट चीता के दूसरे चरण की तैयारी शुरू कर दी। भारत अब उन चीतों को लाने का प्लान बना रहा है जिन पर गंभीर संक्रमण का खतरा नहीं हो सकता है और सर्दियों में बीमारी का खतरा ना हो। दरअसल अफ्रीका से भारत लाए गए चीतों में से कुछ चमड़ी मोटी होने के कारण ही गंभीर संक्रमण की चपेट में आए थे और 3 चीतों की मौत की वजह भी इसी को ही बताया गया था। हालांकि चीतों को फिर से लाने पर बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अफ्रीका से चीतों को आयात करना और उनमें से 9 को विदेशी भूमि में मरने की अनुमति देना न केवल क्रूरता है बल्कि लापरवाही का भयावह प्रदर्शन है।
उन्होंने कहा कि हमें इन शानदार प्राणियों की पीड़ा में योगदान देने के बजाय अपनी लुप्त प्राय प्रजातियों और आवासों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विदेशी जानवरों की ये लापरवाह खोज तुरंत समाप्त होनी चाहिए और हमें इसके बजाय अपने मूल वन्य जीवों के कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने रणनीतियां बनानी शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई ने पार्टी के जमीनी स्तर के संगठन में बड़ा बदलाव किया है। शुक्रवार को अपने 98 जिला स्तरीय अध्यक्षों में से 69 को बदल दिया गया। उत्तर प्रदेश में यूं तो 75 जिले ही हैं, लेकिन यहाँ भाजपा ने अपने राज्य संगठन को 5 क्षेत्रों पश्चिमी, ब्रज, कानपुर, अवध, गोरखपुर और काशी के तहत 98 जिला स्तरीय इकाइयों में बांट कर रखा है। माना जा रहा है कि ये बदलाव जिला अध्यक्षों के परफॉर्मेंस से लेकर विभिन्न तरह के समीकरणों को ध्यान में रखकर किए गए हैं। पिछले कुछ महीनों से उत्तर प्रदेश में भाजपा के जिला स्तरीय संगठन में फेरबदल की उम्मीद की जा रही थी। 2024 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए उन प्रमुखों को बदल दिया गया है जो 2 कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। साथ ही उन प्रमुखों को भी बदल दिया गया है जिनके खिलाफ स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उनके प्रदर्शन के बारे में नकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी। ये बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब लोकसभा चुनाव को 1 वर्ष से भी कम समय रह गया है। बिहार के झंझारपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हर रोज राज्य में गोलीबारी, लूट, अपहरण, पत्रकारों की हत्या, दलितों की हत्या के किस्से बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा, लालू जी एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं, नीतीश जी इनएक्टिव हो गए हैं। इससे आप ये समझ सकते हैं कि बिहार में क्या होने वाला है। अमित शाह ने कहा कि रेलवे मंत्री रहते हुए लालू जी ने अरबों का भ्रष्टाचार किया। ये UPA नाम के साथ नहीं आ सकते, इसलिए इन्होंने इंडिया गठबंधन नाम रखा है। नाम कोई भी बदलें, ये वही लालू प्रसाद यादव हैं जिसने बिहार को सालों तक पीछे धकेलने का काम किया है। भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ने एक TV चैनल को दिए इंटरव्यू में नाथूराम गोडसे को फिर से देशभक्त बताया है। जब उन्होंने पिछली बार ऐसा कहा था तब खुद PM मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं उनको मन से माफ नहीं करूंगा। हालिया इंटरव्यू में जब प्रज्ञा से PM मोदी की नाराजगी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं अपने संस्कार और बोलने की आज़ादी से पीछे नहीं हटूंगी। साध्वी ने कहा कि हो सकता उस वक्त कुछ लोगों को ठेस लगी हो, लेकिन मैं अपने विचार को नहीं बदल सकती। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने कुछ TV एंकरों के कार्यक्रम में प्रवक्ता नहीं भेजने के फैसले को असहयोग आंदोलन करार दिया है। कांग्रेस के पवन खेड़ा ने कहा कि उन्होंने ना तो किसी भी एंकर या TV चैनल पर प्रतिबंध लगाया है और ना ही किसी का बहिष्कार किया है। उन्होंने दावा किया कि इंडिया गठबंधन ने बस किसी के अपराध में भागीदार बनने से इनकार किया है। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने कथित नफरत वाली खबरों में भाग न लेने के विपक्ष के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि वो असहयोग आंदोलन चला रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन न्यूज एंकरों के बायकॉट की एक और लिस्ट भविष्य में जारी कर सकता है। गठबंधन की मीडिया समिति के करीबी सूत्रों ने बताया कि जिस ब्लैक लिस्ट पर काम चल रहा है उसमें एक समाचार एजेंसी का नाम भी शामिल होने की संभावना है। बता दें, इंडिया ने इससे पहले 14 समाचार एंकरों का बहिष्कार करने की लिस्ट जारी कर दी। बता दें, शुक्रवार को TOI को मीडिया समिति के करीबी सूत्रों ने बताया कि एक दूसरी सूची तैयार की जा रही है और हालांकि इसे कब जारी किया जाएगा इसकी कोई स्पष्ट समय सीमा नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में नामों की घोषणा होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियान के बीच बारामूला जिले में मुठभेड़ की खबर है। उरी में शनिवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। ये मुठभेड़ बारामूला के उरी और हथलंगा इलाके में LOC के पास हुई। माना जा रहा है कि आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले राज्य के डिप्टी CM TS सिंह देव ने कांग्रेस की चुनाव पूर्व घबराहट को बढ़ा दिया है। उप मुख्यमंत्री TS सिंह देव ने गुरुवार को रायगढ़ में एक कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी सरकार की सराहना की। सिंह देव ने अपने भाषण की शुरुआत मोदी के स्वागत के साथ की। इसके बाद उन्होंने कहा, आप आज यहाँ कुछ देने आए हैं, आपने छत्तीसगढ़ को बहुत कुछ दिया है और मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी आप हमें कुछ देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश के लिए जब भी केंद्र सरकार से कुछ मांगा तो मोदी सरकार ने कभी भी मदद से इनकार नहीं किया और मेरा मानना है कि आगे चलकर राज्य और केंद्र हमारे देश और राज्य को आगे ले जाने के लिए सभी क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान में तेल की कीमतों ने आग लगा दी है। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 26 रुपये बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय का कहना है कि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण
देश में पेट्रोल की कीमत 26 रुपए बढ़ाकर 331 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर हो गया है। इसमें आगे कहा गया है कि डीजल की कीमत में 17.34 रुपए की बढ़ोतरी की जा रही है, जिसके बाद इसकी नई कीमत 329.18 रुपए प्रति लीटर होगी। वित्त मंत्रालय के मुताबिक नई कीमतें आज यानी 16 सितंबर से लागू हो जाएंगी। हालांकि पाकिस्तान रुपए की कीमत भारत से कम है, इसलिए ये मत मानने लगना कि भारत बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के 331 रुपए को भारतीय रुपए में बदलें तो 92 रुपए होता है और भारत में तेल की कीमत 106 रुपए से अधिक है। अब तक की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों में बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।